Hello friends, this is Rajkumar Yadav and we are going to see the second part and the last part of this chapter, liberalization of foreign trade and foreign investment policy. तो last time हमने क्या देखा था इसके बारे में कि कोई भी देश किस तरह की policy, किस तरह के rules, regulations लाता है ताकि वो बाहर के business को India में होने से या फिर बाहर के कोई भी business है वो India में आता है उसको control, यहाँ के India के market को control उतना ना करे, India के businessman को profit हो, इंडिया के बिजनेसमैन का उतना लॉस ना हो, ये सारी पॉलिसीज इसमें आएंगी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो जो चाइनीज़ का जो चाइनीज़ टॉयज़ का जो इंपोर्ट था इंडिया में उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे. मान लो कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो चाइनीज़ के टॉयज़ के इम्पोर्ट पर टैक्स डाल देगा, मतलब जो भी चाइनीज़ टॉयज़ इंडिया में आएंगे उनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी या फिर इम्पोर्ट टैक्स लगेगा. तो उससे होगा क्या, वो लोग जो इस तरह के टॉयज़ को इंपोर्ट करना चाहते हैं ना, इंडिया के बिजनेसमैन जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स के पास से टॉयज़ खरीदते हैं और इंडिया में उसी को बेचते हैं, तो उन लोगों को टैक्स देना पड़ेगा. अब इस टैक्स की वजह से क्या होगा, इस टैक्स की वजह से उन्हीं टॉयज़ के प्राइजेस बढ़ जाएंगे, राइट, उन्हीं इम्पोर्टेड टॉयज़ के प्राइजेस बढ़ जाएंगे. तो चाइनीज़ टॉयज़ के प्राइजेस फिर इंडियन मार्केट्स में कभी भी सस्ते नहीं दिखेंगे. क्यों? क्योंकि इन्हीं टॉयज़ के ऊपर इंडिया की गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया होगा, तो ऑटोमेटिकली चाइना के तरफ से आने वाला इंपोर्ट कम हो जाएगा. इंडिया के बिजनेसमैन चाइना से कोई भी तरह के टॉयज़ मंगाएंगे नहीं, क्योंकि वो जानेंगे कि इंडिया की गवर्नमेंट ने अब इम्पोर्ट टैक्स लगा दिया है तो उनको पैसे देने पड़ेंगे, अब वो चाइनीज़ के टॉयज़ उतने सस्ते नहीं रह जाएंगे. इसके वजह से इंडियन टॉय मेकर्स को प्रॉफिट होगा, वो प्रॉस्पर करेंगे. तो किसी भी तरह का टैक्स जो इम्पोर्ट पे लगता है ना वो सिर्फ एक एग्जांपल है ट्रेड बैरियर का. ट्रेड बैरियर, इसको बैरियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक टाइप की रिस्ट्रिक्शन है जो सेटअप की गई है गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है, तो गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स को यूज़ क्यों करता है, ताकि वो इंक्रीज कर सके या डिक्रीज कर सके फॉरेन ट्रेड को, या फिर वो डिसाइड कर सके कि किस तरह के गुड्स और कितने हमारे कंट्री में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए. ये सब इंडियन गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे बैरियर्स रख दिए थे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर, मतलब कि काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस रखे थे कि कोई भी बाहर का फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज़्यादा नहीं कर सकता. ये इसीलिए ज़रूरी समझा गया था क्योंकि इंडिया के प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके फॉरेन कंपटीशन से, क्योंकि फॉरेन में बनने वाली जो भी कुछ है वो वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की मेथड काफ़ी एडवांस्ड होगी, और अगर वही चीज़ इंडिया में आ गई तो इंडिया के बिजनेसमैन बेचारे बर्बाद हो जाएंगे. जैसा हुआ था ना कि इंडिया के अंदर भी कॉटन बन रहा था, मतलब इंडिया के अंदर भी कपड़ा बन रहा था, लेकिन वो कपड़ा जो इंग्लैंड से आ रहा था इंडिया में उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी क्योंकि वो मशीन गुड्स थे और वो काफ़ी सस्ते थे. इसीलिए इंडिया के लोगों ने ब्रिटेन से आ रहे कपड़े को ख़रीदा, ना कि इंडिया के अंदर बनने वाले इंडिया के थोड़े महंगे कपड़े उनको ख़रीदा. तो वही हाल अभी भी होता, इसलिए इस ऐसी सिचुएशन को रोकने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने ऐसा किया. क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, 1950s और 1960s में इंडिया के अंदर ये इंडस्ट्रीज तो धीमे धीमे डेवलप हो ही रही थी, धीमे धीमे आ रही थी ऊपर, और ऐसे स्टेज पर अगर आप बाहर के प्रोडक्ट्स को इंडिया में आने दोगे, अगर इम्पोर्ट होगा तो उससे क्या होगा, उससे कंपटीशन बहुत बढ़ जाता और इंडिया की इंडस्ट्रीज ऊपर ना आ पाती. इसीलिए इंडिया ने इम्पोर्ट्स अलाउ क्या किया, किन चीज़ों पे इम्पोर्ट अलाउ किया, सिर्फ कुछ ज़रूरी चीज़ों पे ही इम्पोर्ट अलाउ किया, मशीनरी, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम एक्सेट्रा. और आपको ये नोट करना चाहिए कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, उनके अर्लियर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, मतलब जब वो लोग डेवलप हो रही थी तो उस टाइम पे भी उन्होंने अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को काफ़ी प्रोडक्शन दी थी. तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, डोमेस्टिक बिजनेस को प्रोटेक्ट किया था बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से. अब 1991 से अगर बात शुरुआत हो तो काफ़ी सारे चेंजेस इंडिया के अंदर, इंडिया की पॉलिसीज़ में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं. इंडिया की गवर्नमेंट ने डिसाइड क्या किया कि अब टाइम आ गया है कि इंडियन प्रोड्यूसर्स पूरी दुनिया के प्रोड्यूसर्स के साथ कम्पीट करें. उनको ये लगा कि ये जो कंपटीशन होगा ना, ये कंपटीशन एक तरीके से हमारे प्रोड्यूसर्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा कंट्री के अंदर. क्यों? क्योंकि अब उनको अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा. अगर यूएसए से कोई सामान आ रहा है
और वही चीज़ इंडिया का कोई बिजनेसमैन बना रहा है, तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो यहाँ के इंडिया के बिजनेसमैन को भी उस अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, एक तरीके से फ़ायदा होगा। तो काफ़ी देर बाद ये 1991 में हुआ था ये सब, और ये डिसीजन क्या, ये जो डिसीजन था इंडिया की गवर्नमेंट का, उसको सपोर्ट मिला था पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। इसीलिए फॉरेन ट्रेड के ऊपर, मतलब बैरियर्स जो होते हैं रिस्ट्रिक्शंस फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो हटा दिए गए, काफ़ी हद तक हटा दिए गए थे। इसका मतलब ये था कि अब आप सामान इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो इजीली, और फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में आके अपनी फैक्ट्रीज या फिर अपनी ऑफिसेज सेटअप कर सकती है। और ये जो बात होती है ना कि जब आप जो कोई गवर्नमेंट ने पहले जो रिस्ट्रिक्शंस लाए थे, उन रिस्ट्रिक्शंस को, उन बैरियर्स को अगर हटा दिया जाए, तो इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। ये डेफिनेशन है, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट अप बाय द गवर्नमेंट इज़ व्हाट इज़ नोन एज लिबरलाइजेशन। तो 1991 में लिबरलाइजेशन वाली बात स्टार्ट हुई थी। और लिबरलाइजेशन सिर्फ एक ही चीज़ का नहीं था, जो ट्रेड का लिबरलाइजेशन था ना, व्यापार का, उसके वजह से इंडिया के अंदर काफ़ी सारे बिजनेसेस को ये फ़ायदा हुआ। अब वो लोग फ्रीली सोच सकते थे, डिसीजन ले सकते थे कि उनको कौन सी चीज़ इंपोर्ट करनी है या फिर कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट करनी है। गवर्नमेंट ने भी पहले से बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस अब रखे थे, इसीलिए इस गवर्नमेंट को बोलते हैं लिबरल। ओके, अब देखते हैं आगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो हमने देखा ना कि इंडिया के अंदर जो लिबरलाइजेशन हुआ ना फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का, उसको सपोर्ट किया गया था काफ़ी सारी इंटरनेशनल पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने। ये ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला था कि फॉरेन किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस, जितने भी बैरियर्स होते हैं ना, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को, वो सब के सब हार्मफुल हैं, नुकसानकारक हैं, कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। देशों के बीच में जो ट्रेड होता है ना, वहाँ पे काफ़ी फ्री होना चाहिए, मतलब कि किसी भी तरह का बैरियर होना ही नहीं चाहिए। जितनी भी कंट्रीज हैं पूरी दुनिया की, उनको अपनी पॉलिसीज़ को लिबरलाइज कर देना चाहिए, थोड़ा इजी गोइंग होना चाहिए, कि ट्रेड के ऊपर इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। और WTO है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो लिबरलाइज हो, काफ़ी रिलैक्स्ड हो। और इसको स्टार्ट किसने किया था, इसको दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज ने ही मिलके स्टार्ट किया था। तो उसी के हिसाब से WTO ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, ऐसे रूल्स बनाए इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर, और ये ध्यान में रखती है कि इन रूल को ओबे किया जाए। और इसकी मेंबर्स हैं 160 कंट्रीज दुनिया की, इसकी मेंबर्स हैं एज ऑफ जून 2014। एट प्रेजेंट कितनी है वो मुझे नहीं पता, देख सकते हैं हम लोग गूगल में बाद में। फिर WTO, जो WTO से आप क्या सपोज करोगे कि ये पूरी दुनिया में ट्रेड को फ्रीली होने देना चाहती है, राइट? ये चाहती है ना किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन ना हो। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये देखा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इन लोगों ने अपने ही कंट्री के अंदर काफ़ी सारे ट्रेड बैरियर्स को बना के अभी भी रखा है, उन ट्रेड बैरियर्स को हटाया नहीं है, ये अनफेयर है। और दूसरी तरफ WTO ये रूल्स बनाती है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, उनको फोर्स करती है कि आप अपनी कंट्री में ट्रेड बैरियर्स को हटा दो, ट्रेड के ऊपर बन रहे रिस्ट्रिक्शंस को हटा दो। अब इसका एक एग्जांपल है, अभी का एक डिबेट चल रहा है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेके ट्रेड डिस्प्यूट हो रहा है, मतलब ओके मतलब 2014 की ये बात थी। तो वो डिबेट किस चीज़ के बारे में था, देखो दो तरीके हैं। एक तरफ WTO कहता है कि हम लोग अपने कंट्रीज़ में, किसी भी दो कंट्रीज़ में अगर ट्रेड होना है तो अच्छे से हो, लिबरलाइज ट्रेड हो, फ्री ट्रेड हो, ट्रेड बैरियर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये WTO को स्टार्ट किसने किया था, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने फ़ायदे के लिए क्या करती हैं, वो लोग अपने फ़ायदे के लिए, वहाँ के उनके खुद के बिजनेसमैन का नुकसान ना हो, इसलिए वो लोग अपने देश के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस को रखते ही हैं। जबकि WTO बाकी सारी कंट्रीज़ को क्या बोलता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, कि आपके कंट्री में रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी सामान आ जा सके, ये सब ठीक है। इसके बारे में ये डिबेट हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि चैप्टर 2 में आपने देखा कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और इसका कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी होता है GDP को लेकर। अगर आप इसी को कंपेयर करो कि एक डेवलप कंट्री के साथ, जैसे कि USA, तो USA में एग्रीकल्चर का शेयर कितना है, राइट, GDP को लेकर, वो है 1%।
और इसका जो टोटल एम्प्लॉयमेंट का शेयर है वो कितना है, 0.5%। फिर भी ये एक बहुत स्मॉल परसेंटेज है लोगों का जो लोग एक्चुअली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। यूएसए के अंदर एग्रीकल्चर में ये बहुत कम लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं। इनको बहुत सारा पैसा मिलता है यूएस गवर्नमेंट के तरफ से ताकि वो प्रोड्यूस कर सके और उसी चीज़ को एक्सपोर्ट कर सके बाकी सारी कंट्रीज़ में। फिर भी इसी इसी ह्यूज मतलब इसी ह्यूज इनकम से, यही जो मैसिव पैसा है ना, मतलब बहुत सारा पैसा जो गवर्नमेंट देती है वहाँ के फार्मर्स को, उसी पैसे की वजह से यूएस के फार्मर्स अपने फार्म प्रोडक्ट्स को बहुत ही कम दाम में बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जितना भी उनका सरप्लस फार्म प्रोडक्ट होता है वो दूसरी कंट्रीज़ के मार्केट में बेचा जाता है बहुत ही कम दाम में। इसके वजह से होता क्या है, उन कंट्रीज़ के मार्केट में वहाँ के फार्मर्स का तो लॉस होगा ना, यही हो रहा है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है इनको ये बोला जाता है, एक मिनट, डेवलपिंग कंट्रीज़ आर देयरफॉर आस्किंग, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या पूछ रही हैं डेवलप्ड कंट्रीज से कि वी हैव रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एज पर द WTO रूल्स बट यू हैव इग्नोर्ड द रूल्स ऑफ WTO एंड हैव कंटिन्यूड टू पे योर फार्मर्स वास्ट सम ऑफ मनी। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ ये बोलती हैं कि हमने तो WTO के रूल्स के हिसाब से ट्रेड बैरियर्स को कम कर दिया, लेकिन आप लोगों ने WTO के रूल्स को माना नहीं है, इग्नोर किया है। आप तो अभी भी अपने फार्मर्स को बहुत सारा पैसा देते हो ताकि वो लोग प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकें और वो लोग बहुत कम सस्ते दाम में बेच सकें। यू हैव आस्ट योर आवर गवर्नमेंट्स टू स्टॉप सपोर्टिंग आवर फार्मर्स बट यू आर डूइंग सो योर सेल्फ, इज दिस फ्री एंड फेयर ट्रेड। तो ये बात पूछते हैं कि आपने तो हमारे सरकार को बोला कि आप अपने फार्मर्स को इतना पैसा देकर सपोर्ट मत करो, लेकिन आप लोग खुद कर रहे हो, तो क्या ये फ्री एंड फेयर ट्रेड है? यही एक टिपिकल, यहाँ पे एक फिगर, ये जो पिक्चर है ना, एक टिपिकल कॉटन फार्म का पिक्चर है। यूएसए के अंदर हजारों एकड़ की ज़मीन होती है जो कोई बड़ी सी कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन का मतलब यहाँ पे मान लो कंपनी, बड़ी सी कंपनी इस बड़े से जगह की मालिक है जो बहुत सारा कॉटन बनाते हैं और बहुत ही लो प्राइजेस में इसको फिर बेच देते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। पिछले 20 साल के अंदर इंडियन जो इकोनॉमी है यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन काफ़ी आगे तक चला गया है। इसका असर क्या हुआ है लोगों के लाइफ पे, चलो देखते हैं, इसका एक एक सबूत है यहाँ पे। तो ग्लोबलाइजेशन और जो बहुत ज़्यादा जो कंपटीशन होता है ना प्रोड्यूसर्स के अंदर, लोकल और फॉरेन प्रोड्यूसर्स के बीच में जो कंपटीशन बढ़ गया है, इसके वजह से कंज्यूमर्स को तो एडवांटेज होता ही है ना, कस्टमर्स को प्रॉफिट होता है, कस्टमर्स का इसमें फ़ायदा होता है, पर्टिकुलरली उन कस्टमर्स को जो शहरी इलाकों में रहते हैं और जो अच्छे भले घर के हैं, उनके पास में ग्रेटर चॉइस होती है, यानी कंज्यूमर्स के पास में, जो लोग अब एंजॉय करते हैं, अब वो कंज्यूमर के पास में अच्छी चॉइस होगी, बहुत सारी चॉइस आ जाएगी और ये लोग को इम्प्रूव्ड क्वालिटी भी मिलेगी और सस्ते दाम में भी मिलेंगे, राइट, सस्ते प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स सस्ते दाम में मिले जाएंगे। इसी की वजह से इसका रिज़ल्ट क्या आता है कि ये लोग अब अपने जो इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनका ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी हाई हो गया है, पहले जो था उससे भी काफ़ी अच्छा हो गया है, क्योंकि हर एक चीज़ सस्ते दाम में मिल रही है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ अच्छे दाम में मिल रही है, सस्ते दाम में मिल रही है, तो इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी ऊपर हो चुका है। और प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स के बीच में जो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है वो एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। पहली बात देखेंगे कि MNCs ने अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में काफ़ी बढ़ा दी है पिछले 20 साल के अंदर। इसका मतलब क्या कि उनके लिए इंडिया के अंदर पैसा डालना, इंडिया के अंदर कोई बिजनेस सेटअप करना और इसमें पैसा डालना उनके लिए फ़ायदेकारक हुआ है। MNCs ने इंडिया की कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में पैसे डाले हैं, जैसे कि सेलफोन है, ऑटोमोबाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक है, फास्ट फूड है, सर्विसेज है, जैसे कि बैंकिंग, अर्बन एरियाज़ में, इन सब में। अब ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनके बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो वेल टू डू फैमिली होते हैं, वेल ऑफ फैमिलीज़ के होते हैं। अब इन इंडस्ट्रीज़ में और सर्विसेज में नई नई जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं और इसके साथ साथ जो लोकल कंपनीज़ है वो अपने रॉ मटेरियल भी सप्लाई करते हैं इन्हीं बड़ी इंडस्ट्रीज़ को अपने रॉ मटेरियल भी सप्लाई करते हैं, तो वो लोकल कंपनीज़ भी काफ़ी प्रॉस्पर हुई हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए,
तो पिछले सालों में हमने देखा है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि वो फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट कर सके कि आओ इंडिया में आके इन्वेस्ट करो। अब इंडस्ट्रियल जोन्स बने हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, ये सेटअप हुआ है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल, जैसे अम्यूजमेंट पार्क, ये सब हो गया, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ये सब होंगी। वो कंपनीज़ जो इन SEZ में अपना प्रोडक्शन यूनिट अगर डालेंगी तो उनको उतना टैक्सेस पे नहीं करना पड़ेगा जितना कि पहले, मतलब कि 5 साल के अंदर उनको उतना टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। पहले 5 साल के अंदर वो लोग बहुत कम टैक्स पे करेंगे। गवर्नमेंट ने और भी चीज़ अलाउ की है, लेबर लॉस को काफ़ी फ्लेक्सिबल बना दिया है ताकि उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सके। आपने चैप्टर 2 में देखा ना कि कंपनीज जो है, ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो कंपनी है, उनको कुछ रूल्स को ऑबे करना पड़ता है, ऐसे रूल जो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करते हैं ना, ऐसे रूल्स जो वर्कर्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी कंपनीज़ को अलाउ किया है कि वो रूल्स को इग्नोर भी कर सके। द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड कंपनीज़ टू इग्नोर मैनी ऑफ दीज। तो काफ़ी सारे रूल्स कंपनीज़ इग्नोर कर देती है और गवर्नमेंट भी उसको जाने देती है, इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। देखो, कंपनीज़ को रेगुलर बेस पे वर्कर्स को हायर करना चाहिए। तो कंपनीज़ करती क्या है, कंपनीज़ शॉर्ट पीरियड के लिए वर्कर्स को हायर करती है, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हायर करती है। जब ज़्यादा प्रेशर होगा, जब काम का ज़्यादा प्रेशर होगा, तब वर्कर्स को अच्छे से हायर करेंगे और फिर उसी टाइम के लिए हायर करेंगे। ये इसीलिए किया जाता है ताकि कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ लेबर है उसको कम किया जा सके, मतलब मजूरी में जो पैसा जाता है ना वो कम से कम देना पड़े, ऐसा। लेकिन ये फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होती। फॉरेन कंपनीज़ अब डिमांड करती हैं कि और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए लेबर लॉज के अंदर, और भी ज़्यादा आप हमें फ्लेक्सिबिलिटी दो, ये दो वो दो, सब कुछ इनको चाहिए। सेकेंडली, दूसरी चीज़ की यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी जो टॉप इंडियन कंपनीज़ है उन्होंने भी प्रॉफिट कमाया है, इसी इंक्रीज्ड कंपटीशन के वजह से काफ़ी सारा प्रॉफिट इन्होंने भी कमाया है। इन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है, प्रोडक्शन मेथड्स में इन्वेस्ट किया है और अपने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स को भी काफ़ी बढ़ा दिया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाए हैं ये लोग। इनमें से कुछ लोगों ने कोलेबोरेशन करके, फॉरेन कंपनी के साथ कोलेबोरेशन करके, कोलेबोरेट करके फ़ायदा कमाया है इन्होंने। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन की वजह से और क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ इंडिया की बड़ी कंपनीज़ धीमे धीमे मल्टीनेशनल कंपनीज़ बन गई हैं, वो खुद मल्टीनेशनल कंपनीज़ बन गई हैं। जैसे टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, रेनबैक्सी है, एशियन पेंट्स है, सुंदरम फास्टनर्स है, और ये सब कुछ कंपनी है इंडिया की जो अब अपना काम पूरे दुनिया में फैला रही है, मतलब ये कंपनी खुद अब MNC बन चुकी है। ग्लोबलाइजेशन ने और क्या क्रिएट किया है, बहुत सारी कंपनीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं। वो कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पर्टिकुलरली IT सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है ना, उन कंपनीज़ को काफ़ी सारा प्रॉफिट हुआ है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इंडियन कंपनी जो एक मैगज़ीन प्रोड्यूस करती है लंदन बेस्ड कंपनी के लिए, और कॉल सेंटर्स, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी सारा प्रॉफिट, काफ़ी सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हुई हैं इंडियन कंपनीज़ को लेकर, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि डेटा एंट्री है, अकाउंटिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, इंजीनियरिंग है, ये सब अब इंडिया में किया जा रहा है, ठीक है, काफ़ी कम दाम में इंडिया में किया जा रहा है। इंडिया की जैसी और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे ये सारा काम हो जाता है, कम पैसे खर्च करने पे MNCs अपना ये सारा काम इंडिया में करा लेती हैं और इन्हीं सारी चीज़ों को फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है इसी काम को करने के बाद। अब देखते हैं यहाँ पे बात, ये जो ये है एक, आई थिंक ये स्टोरी जैसा है, कंपैरिजन जैसा, स्मॉल प्रोड्यूसर्स कम्पीट और पेरिश। अब इंडिया के अंदर या फिर लोकल जो मार्केट्स होती हैं वहाँ के छोटे प्रोड्यूसर्स, बिजनेसमैन या तो कम्पीट करेंगे ग्लोबली या तो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो बहुत सारे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं और वर्कर्स हैं, उनकी लाइफ में ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी सारे चैलेंजेस, काफ़ी सारे इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट आए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, केस है रवि का, कंपटीशन जो बढ़ती जा रही है उसके ऊपर से इनके लाइफ का एक एग्जांपल दिया गया है। रवि ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था,
कि उसको इस तरह की क्राइसिस, इस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो इसने अपनी इंडस्ट्री सेटअप की होगी। कुछ ही साल के अंदर इसको काफ़ी सारा टफ कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ा। क्या हुआ था ऐसा, देखो रवि ने एक लोन लिया था बैंक से ताकि वो अपनी खुद की कंपनी बना सके, कंपनी सेटअप कर सके, ऐसी कंपनी जो कैपेसिटर्स को बनाती है। 1992 में होजर में एक इंडस्ट्रियल एरिया है तमिलनाडु के अंदर, और कैपेसिटर्स, आपको पता है कि कैपेसिटर्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लाइंसेस में यूज़ होते हैं, ट्यूबलाइट्स में, टेलीविजन्स में, इन सब में। तो 3 साल के अंदर उसने अपना प्रोडक्शन एक्सपांड कर लिया, और उसके पास, उसके अंडर काम करने वाले 20 वर्कर्स थे जो उसके अंडर काम कर रहे थे। लेकिन वो अपनी कंपनी को रन करने में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। कब, जब उसने देखा कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं इंपोर्ट ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर, उसने गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने WTO के साथ जो एग्रीमेंट किया था 2001 में, उसके वजह से गवर्नमेंट ने बाहर से आने वाले कैपेसिटर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए। अब अगर बाहर के बने हुए कैपेसिटर्स इंडिया में आएंगे, कम दाम में बिकेंगे, तो ये जो बेचारा है, ये जो कैपेसिटर बनाएगा, क्या बहुत कम लोग होंगे जो इसके कैपेसिटर को खरीदेंगे। ठीक है, अब इसके जो मेन क्लाइंट्स है ना, मतलब टेलीविजन कंपनीज थी, इन्होंने अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स बनाने के लिए, जिसमें कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं, उसको बनाने के लिए, ताकि वो टेलीविज़न के सेट को बना सके, तो उसको वो लोग काफ़ी ख़रीदते थे। लेकिन MNC में जो कंपटीशन हुआ, MNCs की वजह से जो कंपटीशन इसको फेस करना पड़ा ना, तो इंडियन टेलीविज़न कंपनीज को मजबूरन अपनी ये एक्टिविटी कम करनी पड़ी। कौन सी, हावेवर कंपटीशन फ्रॉम MNCs ब्रांड्स फोर्स द इंडियन टेलीविज़न कंपनीज टू मूव इनटू असेंबलिंग एक्टिविटीज़ फॉर MNCs। देखा, तो MNCs की वजह से जो कंपटीशन इनको मिल रहा था ना, इसी कंपटीशन के चलते इंडिया की जो टेलीविज़न कंपनीज थी, वो बेचारी अपना मेन काम छोड़ के अब MNCs का काम करती हैं। ऐसे MNCs का कौन सा काम, MNC अगर उनको जो काम देती है ना, असेंबलिंग करने का, जोड़ने का काम, वो सब करती हैं। अब भले ही कुछ लोगों ने कैपेसिटर खरीदे होंगे, ठीक है, कुछ लोगों ने इस बंदे से कैपेसिटर खरीदे, लेकिन वो लोग ये प्रिफर करते हैं कि हमें बाहर का, फॉरेन गुड्स, जो बाहर से आया हुआ कैपेसिटर है, अगर वही सेम दाम में मिलेगा तो हम बाहर से खरीदेंगे। अगर रवि जिस दाम में बेच रहा है, उसका आधा दाम हमें देना पड़ रहा है बाहर से आए कैपेसिटर को, तो हम वो बाहर वाला खरीदेंगे, क्यों हम अपना नुकसान करें। अब रवि क्या प्रोड्यूस करता है, जो उसने 2000 में जितना प्रोड्यूस किया था ना, उससे अब वो हाफ प्रोड्यूस करता है। अब उसके नीचे काम करने वाले सिर्फ 7 वर्कर रह गए हैं। बहुत सारे रवि के फ्रेंड सेम बिजनेस में थे, हैदराबाद और चेन्नई में, उन लोगों ने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया। यहाँ पे बात है इसी चीज़ के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक्स, टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और वेजिटेबल ऑयल, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं उन इंडस्ट्री के, जहाँ पे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स को बहुत नुकसान हुआ है कंपटीशन की वजह से। बहुत सारे यूनिट्स को बंद कर दिया गया, बहुत सारे फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया, क्योंकि अब वहाँ पे कंपटीशन बहुत हो रहा था, तो लॉस हो रहा था। ठीक है, तो ये कंपनीज अपने आप को फिर बंद कर रही थी। अब यहाँ पे काम करने वाले जो वर्कर्स थे बेचारे, उनकी भी तो जॉब चली गई ना। और इंडिया के अंदर जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, वो बहुत सारे वर्कर्स को काम देती है। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ करीब 20 मिलियन वर्कर्स को काम देती है। एग्रीकल्चर के बाद इन्हीं का नंबर आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद यही स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का नंबर आता है, जहाँ पे लोगों को ज़्यादा काम मिलता है। इसके बाद देखेंगे कॉम्पिटिशन एंड अनसर्टन एम्प्लॉयमेंट, ग्लोबलाइजेशन और वो जो प्रेशर है कॉम्पिटिशन का, इसके वजह से लोगों की लाइफ, खासकर वर्कर्स की लाइफ में काफ़ी चेंज आया है, काफ़ी नेगेटिव चेंज आया है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स, ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, अब वो ये प्रिफर करते हैं कि हम अब लोगों को अगर हायर करेंगे तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हायर करेंगे, राइट, टू एम्प्लॉय वर्कर्स फ्लेक्सिबली, जब उनको ज़रूरत होगी तब हायर करेंगे। इसका मतलब ये कि वर्कर्स का जो जॉब है अब सिक्योर नहीं रहा, परमानेंट जॉब नहीं मिला। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है ना, कि किस तरह से गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं, और उनको बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं ना, जो फोल्डिंग गारमेंट एक्सपोर्ट के लिए। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से भले बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं कि उनको काम करने का पैसा मिलता है वुमन को, लेकिन जो कंडीशंस होती है ना काम करने की, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये दिखाती है कि वुमन को उनके
उनका फेयर शेयर नहीं दिया जा रहा, जितना उनको लोग काम करती हैं उसके हिसाब से उनको जो प्रॉफिट होना चाहिए, जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। अब जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी एमएनसीज हैं गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर, जैसे यूरोप और अमेरिका में, वो ऑर्डर प्लेस करती हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए इंडियन एक्सपोर्टर्स के साथ में, ठीक है। ये बड़ी एमएनसीज जिनके पास में वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, तो वो लोग ये देखती रहती हैं कि कहाँ पे उनको बहुत ही सस्ते दाम में सामान मिल जाएगा, ताकि वो अपने प्रॉफिट को और भी मैक्सिमाइज कर सके। अब इन बड़े ऑर्डर्स को पाने के लिए इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर्स बहुत ही ट्राई करते, बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन में ट्राई करते हैं कि उनको वो ऑर्डर मिल जाए, और वो उसी ऑर्डर को पाने की लालच में अपने अपना जो कॉस्ट है उसको बहुत कम कर देते हैं कि चलो हम आपको इतने में ही बना देंगे, आपको हम इतने इतने कम पैसे में आपको बना के दे देंगे ऐसा। और एज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, आपको पता है कि रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट रिड्यूस होगा नहीं, तो लोग किसका कॉस्ट रिड्यू करेंगे, किसका कॉस्ट कम करेंगे, लेबर का। रॉ मटेरियल जितने मिलता है उतने में मिलता था, तो इनको अगर वही प्रोडक्ट कम दाम में बनाना है तो ये लोग क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मजूरी चाहिए उस मजूरी का पैसा वो लोग कम देंगे, ठीक है। यही एक रास्ता बचा। अब जहाँ पे पहले कोई फैक्ट्री थी जो वर्कर्स को हायर करती थी परमानेंट बेसिस पे, अब वही लोग वर्कर्स को हायर करते हैं टेम्प्रेरी बेसिस पे, ताकि उन वर्कर्स को पूरे साल के लिए उनको सैलरी ना देनी पड़े, ना रखना पड़े, जब काम हो तब उनको हायर करो, जब ना काम हो तो उनको निकाल दो। और जब काम होता है ना तब वर्कर्स को बहुत लंबे बहुत सारे घंटे तक काम करना पड़ता है, एक दिन के अंदर काफ़ी 12 12 घंटे 15 15 घंटे हो सकता है काम करना पड़े, नाइट शिफ्ट में भी करना पड़ता है, रेगुलरली उनको नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती है पीक सीजन के टाइम पे, जब बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन, जब 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 क्या बोल सकते हैं, बहुत ही डिमांडिंग सिचुएशन आती है, उसको बोलते हैं पीक सीजन। जैसे इंडिया में पीक सीज़न कब होता है, इंडिया में पीक सीज़न आई थिंक वी कैन से दैट फ्रॉम अक्टूबर से लेकर जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ तक का पीक सीज़न होता है, इंडियन फेस्टिवल सीज़न ये चलता है ना, वही। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, वर्कर्स को पैसे कम मिलते हैं, वेजेस आर लो, और वर्कर्स को फोर्स किया जाता है कि वो ओवर टाइम करें ताकि वो अपना काम टाइम पे कर सके। अब जब ये कंपटीशन हुई ना गारमेंट एक्सपोर्टर्स के बीच में, कंपटीशन की वजह से एमएनसीज को काफ़ी फ़ायदा होता है, ठीक है। अब एक एमएनसी अगर कहे कि मुझे 1000 पेयर ऑफ शूज़ बनाने हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर, तो उसके सामने अगर 10 छोटे छोटे इंडिया के प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे, कहेंगे कि मैं आपके ये 10,000 ये 1000 पेयर ऑफ शूज़ इतने में बनाऊंगा, कोई कहेगा कि मैं 50,000 में बनाऊंगा, कोई कहेगा कि मैं सिर्फ 5,000 में बना दूंगा, तो ऐसे ही वो लोग जो टफ कॉम्पिटिशन करते हैं अपने अंदर ही अंदर, उसके वजह से एमएनसीज को ही फ़ायदा होता है और वर्कर्स को उनका प्रॉफिट, उनका फेयर शेयर बेनिफिट जो मिलना चाहिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो नहीं मिल पाता। यहाँ पे एक गारमेंट वर्कर की बात चलिए, सुशीला 35 ईयर्स की है, इन्होंने अपने लाइफ के काफ़ी सारे टाइम गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो दिल्ली में है उसमें बिता दिए एज ए वर्कर। इनको पहले एक परमानेंट वर्कर के तरीके से हायर किया गया था, तो इनके पास में हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ओवर टाइम भी मिलता था डबल रेट पे। लेकिन जब सुशीला जिस फैक्ट्री में काम करती है, वो फैक्ट्री 1990s में क्लोज़ हो गई। काफ़ी जॉब ढूंढने के बाद, 6 महीने जॉब ढूंढने के बाद उसको फाइनली एक जॉब मिली उसके घर से 30 किलोमीटर दूर, और इस फैक्ट्री के अंदर काम करने के बाद भी, काफ़ी सारी इस फैक्ट्री में इसने काम किया, फिर भी वो वहाँ पे एक टेम्प्रेरी वर्कर है, और उसको पिछली कंपनी के हिसाब से उसको हाफ पेमेंट मिलती है, जितना वहाँ पे पहले मिलता था ना, मान लो 5,000 मिलता था, तो अब उसको सिर्फ 2,500 मिलता है। सुशीला अपना घर सुबह कितने बजे, काफ़ी जल्दी निकलती है सुबह, और 7ों दिन, हफ्ते के 7ों दिन उसको काम करना पड़ता है, सुबह 7:30 बजे वो निकलती है और रात को 10 बजे वापस आती है, और अगर किसी दिन छुट्टी लेती है तो उसका मतलब क्या कि उसको उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा, उसके पास में कोई भी बेनिफिट नहीं है जो उसको पहले मिलते थे ना, हेल्थ इंश्योरेंस ये वो सब बेनिफिट, कोई भी बेनिफिट उसके पास नहीं है। फैक्ट्रीज जो उसके घर के आसपास की जो फैक्ट्रीज थी उनके अंदर काफ़ी फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर्स आते हैं, इसीलिए ये फैक्ट्रीज ठीक से पे नहीं करती, तो इसको इतनी दूर जाके काम करना पड़ता है। आपने देखा ना किस तरह से वर्कर्स की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो अगर ग्लोबलाइजेशन की वजह से किसी को सबसे ज़्यादा असर हुआ हो नेगेटिव इफेक्ट, तो वो लोकल वर्कर्स को ही हुआ है। कंडीशंस ऑफ वर्क एंड हार्डशिप ऑफ द वर्कर्स डिस्क्राइब्ड अबव हैव बिकम कॉमन। बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं और सर्विसेज हैं जो इंडिया में, वहाँ पे
वर्क, काम करने की कंडीशंस और लोगों की, वर्कर्स की जो हार्डशिप है, ये बहुत कॉमन देखा गया है इंडिया में, अब हो रहा है ज़्यादा। और ज़्यादातर वर्कर्स आजकल, ज़्यादातर वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम मिलता है अच्छे से। इसके अलावा जो वर्क कंडीशंस है, ऑर्गेनाइज सेक्टर की वर्क कंडीशंस है, वो भी अब किसके जैसी लगती हैं, अब वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जैसी ही लगती हैं। तो वो वर्कर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि सुशीला, अब उनको वो प्रोटेक्शन और वो बेनिफिट्स नहीं मिलते जो पहले मिलते थे। ठीक है, इस तरह से इनकी लाइफ काफ़ी चेंज हुई है। अब यहाँ पे देखते हैं, टॉपिक है द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन हो, उसी के लिए काफ़ी सारे कंट्रीज़ आवाज़ उठा रहे हैं। आपने देखा था ना एक केस में, जहाँ पे कॉटन, यूएसए में कॉटन फार्म था बहुत बड़ा सा। ठीक है, तो वहाँ के यूएस की गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को बहुत पैसा देती है ताकि वो प्रोडक्शन कर सके चीप कॉस्ट पे, और बहुत ही कम कॉस्ट पे उसको बेच सके उस मार्केट में, जहाँ पे के लोकल, वहाँ के जो दूसरे लोग हैं, जैसे इंडिया में अगर वो बेच रहे हैं तो इंडिया में उसका प्राइस काफ़ी कम होगा। द अबव एविडेंस इंडिकेट्स दैट नॉट एवरी वन हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, राइट। ऊपर का जो हमने डिस्कस किया उससे पता चल गया ना कि ग्लोबलाइजेशन हर एक इंसान को बेनिफिट नहीं कर पाया, स्पेशली वर्कर्स, वो लोग जिनको एजुकेशन मिलती है, स्किल है और उन जिनके पास पैसा है, इन्होंने इन नई नई अपॉर्चुनिटीज़ का सबसे अच्छे से फ़ायदा उठाया है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिला है, उनको इसका शेयर नहीं मिला। और क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एक रियलिटी है, इसलिए क्वेश्चन क्या है कि हम किस तरह से ग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा फेयर बनाएं। फेयर ग्लोबलाइजेशन से होगा क्या? उससे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी सबके लिए, और ये बात को ध्यान में रखा जाएगा कि ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट सबको अच्छे से शेयर किए जाएं। गवर्नमेंट इसमें एक मेजर रोल प्ले करती है ना, इस चीज़ को पॉसिबल करने में। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, वो ऐसी होनी चाहिए कि लोगों के, कॉमन कॉमन लोगों के इंटरेस्ट को, उनके बेनिफिट्स को वो प्रोटेक्ट कर सके, ना ही सिर्फ रिच और पावरफुल लोगों को, लेकिन मतलब देश के हर एक नागरिक को इसके बेनिफिट्स अच्छे से मिलने चाहिए। आपने पढ़ा है इसके बारे में कुछ, के पॉसिबल स्टेप्स गवर्नमेंट लेती है ना, उनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट क्या इंश्योर करती है, गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि जो लेबर लॉज हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हों और वर्कर्स को उनके हक मिलें। और इनको सपोर्ट करना चाहिए स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, ताकि वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। जब तक कि वो इतने स्ट्रांग नहीं बन जाते ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करने के लिए, तब तक तो कम से कम उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना ही चाहिए। और अगर ज़रूरी हो तो गवर्नमेंट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स भी यूज़ करे, और उसको निगोशिएट करना चाहिए WTO के पास में। ठीक है, इट कैन निगोशिएट, वो WTO से निगोशिएट कर सकती है कि वो फेयरर रूल्स बनाए, और ये भी बात अलाइन कर सकती है कि बाकी सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ में मिलके इसी तरह के जो सिमिलर इंटरेस्ट है ना, डेवलपिंग कंट्रीज़ के भी अपने खुद के इंटरेस्ट होते हैं, उनके लिए फाइट कर सके वो। क्योंकि WTO के अंदर क्या होता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ही मिलके बनाया था ना, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के प्रॉफिट के बारे में ही ये WTO सोचती होगी, या फिर उन्हीं के बारे में हर एक चीज़ बात होती होगी। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने एक साथ मिलके, डेवलपिंग कंट्रीज़ एक साथ आके अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ सके। और पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, बहुत सारे कैंपेन्स चले हैं, रिप्रेजेंटेशन हुआ है लोगों की, पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस ने ये सब आवाज़ उठाई है, जिसके वजह से जो WTO के यहाँ पे जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं ना, उस पर काफ़ी असर पड़ा है। अब ये लोग इसके बारे में भी सोचते हैं कि हाँ, हमारे खिलाफ़ काफ़ी सारे लोग खड़े हो रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, जो भी अंदर अंदर कुछ भी अगर गलत हो रहा है। तो इन सारे डेमोन्स्ट्रेशंस ने क्या दिखाया है, इन सारी चीज़ों ने दिखाया है कि लोग भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको ग्लोबलाइजेशन को एक फेयर ग्लोबलाइजेशन का रूप देना है, तो इसमें लोग भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस स्ट्रगल के अंदर। यहाँ पे एक फ़ोटो है जिसमें दिखाया है कि नियो लिबरलिज्म, यहाँ पे यूरोप, सॉरी, यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी USA के इसमें फ़ोटो है, राइट। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन था WTO के ख़िलाफ़ हांगकॉन्ग के अंदर 2005 में।
समिंग अप में मतलब क्या है, ये इस पूरे चैप्टर की समरी दी हुई है, वो चैप्टर की समरी हम लोग फिर से नहीं पढ़ेंगे इसमें। सो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच चरण, दिस इज राजकुमार यादव साइनिंग ऑफ।